ये है पालमपुर गांव की कहानी। तो इस कहानी का उद्देश्य यहाँ पर उत्पादन से संबंधित मूल विचारों का परिचय कराना है। तो यह एक काल्पनिक गांव है जो असली में गांव नहीं है, पालमपुर। इसी कहानी के माध्यम से यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्पादन से संबंधित मूल विचार क्या है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी उद्योग, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें यहाँ पर ज्ञात होगा कि गाँव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। जैसे पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों में बड़ी आबादी जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर पर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आने वाले उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर कई तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिसमें बहुत कुछ बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित के लोगों की संख्या है गांव की कुल संख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिसमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। तो इस विवरण से हमें पता चलता है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गाँव के उपलब्ध सुविधाओं से कर सकते हैं कि आपके पास जो गांव है उसमें क्या क्या सुविधाएं इनमें से हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन को प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर हम विचार कर रहे हैं। जैसे कि उत्पादन का संगठन हम पढ़े। उत्पादन का संगठन क्या होता है? उत्पादन का उद्देश्य उत्पादन का संगठन उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करने के लिए कुछ ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरा उत्पादन होता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत होते हैं। जैसे कि हम भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, जैसे औजार, मशीन, भवन। औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार है जैसे कि किसान का हल से लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं।
औजार मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। एक है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने और जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजार मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और बौद्धिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। तो क्या होगा इसमें? इसको हम आजकल मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी के विषय में अनेक अध्ययन, ज्यादा अध्ययन हम अगले चैप्टरों में करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर गांव में काम हो रहा है वो दिखा रखा है, कारखानों में मशीन पर कार्य करते हुए श्रमिक हैं, अब हम देखें उत्पादन पूंजी, उत्पादन श्रम। उत्पादन श्रम श्रम और पूंजी को संयुक्त करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने का क्रम हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को सिर्फ पूंजी कहेंगे। ये भौतिक पूंजी का मतलब पूंजी कहेंगे। तो पालमपुर में सबसे पहले देखते हैं खेती। जैसे भूमि स्थिर है हमारी, पालमपुर में खेती उत्पादन प्रमुख प्रक्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें याद रखना है कि कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुत स्थिर होता है, लेकिन पालमपुर में क्या होगा? पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुल बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भूमि मापने की मानक इकाई क्या होती है? हेक्टेयर होती है, यानी कि भूमि को हम हेक्टेयर में नापते हैं, कितने हेक्टेयर भूमि है। जितने गांवों में भूमि को हम बीघा में भी नापते हैं, गूठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक हेक्टेयर में 100 मीटर का भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। यानी 100 मीटर के वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो एक एक हेक्टेयर भूमि होती है। तो क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं कि आपका स्कूल का मैदान है वो कितने हेक्टेयर का है, आपके घर का मैदान है वो कितने हेक्टेयर का है, ये आप पता कर सकते हैं। लेकिन एक हेक्टेयर है वो 100 मीटर की भुजा का वर्ग होता है, उसका क्षेत्रफल जो निकलता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? जैसे कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया ये क्षेत्रफल? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर का मतलब क्या हो गया? 10 हजार मीटर क्षेत्रफल ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन दे रखा है यहाँ पर, क्या उसी भी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? तो यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में कौन सी खरीफ की फसल होती है? खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। तो खरीफ की फसल क्या है? ज्वार और बाजरा। बरसात के मौसम में इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दियों
सर्दी के मौसम में रबी की खेती होती है जिसमें गेहूं उगाया जाता है, तो रबी क्या हो गया? गेहूं रबी खेती में आ गया, गेहूं हमारा रबी की फसल में। खरीफ की फसल में आ गया ज्वार और बाजरा, और अक्टूबर दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज जो मंडी है उससे 3 किलोमीटर दूर वहां पर भेज देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुरा के व्यापारियों को भेज दिया जाता है कच्चे रूप में ताकि वो गुड़ बना सके उसका। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि यहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी, उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से राइट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र को क्या है सींचा जा सकता है। तो यहाँ पर वो ज्यादा खेती करने लगे, यानी अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। प्रारंभ में कुछ नलकूपें सरकार द्वारा लगाए गए थे पर जल्दी ही किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदियां मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्र जैसे कि दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि के 40% से भी कम क्षेत्र में सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने के सबसे सामान्य प्रणाली यूज की जाती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। तो ये फसलें हैं पालमपुर में उगाई जा रही, जैसे गेहूं है, ये क्या है रबी की फसल, बाजरा है ये खरीफ की फसल है, जो कि गेहूं की फसल सर्दी में बोई जाती है और खरीफ की फसल बाजरा है ये बरसात के मौसम में बोई जाती है, और ये आलू है और साथ में गन्ने भी बोए जाते हैं बाजरे के साथ। तो यहाँ पर 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत के कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें सारणी में दिखाया गया, तो सारणी हम देखते हैं। तो सारणी में हम देखेंगे क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना आवश्यक है, और ऐसा है तो क्यों है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ये हमारा कृषि क्षेत्र है जुताई, जैसे 1950 में क्या होता था, जुताई क्षेत्र था हमारे पास में 120 हेक्टेयर, यानी 10 लाख हेक्टेयर था। 10 लाख हेक्टेयर के अकॉर्डिंग 120 मिलेनियम हेक्टेयर। 1960 में 130 हो गया, फिर 70 में 140, 80 में 140, 90 में 140, 2000 में 140, 2004 में 140, 2006 में 140, यानी फिर बड़ी नहीं जा रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र हमारा फिक्स हो गया है 140। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग कि हमारा कृषि क्षेत्र बढ़ नहीं रहा है, इतना ही है। तो यहाँ पर पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और तो अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर हम इस सारणी को बढ़ सकते हैं। ये जो सारणी है इसको बढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका है अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में हम क्या करते हैं, उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक से अधिक मौसम के
टुकड़े में मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इसको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज यानी कि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए हरित क्रांति ने। और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में से एक ही पौधे से ज्यादा कमाई यहाँ पर करने लगे। तो ये आधुनिक कृषि विधियां हैं, जैसे कि आधुनिक कृषि के तकनीक हैं HYV बीज हैं, रासायनिक उर्वरक हम यूज कर रहे हैं, जैसे पंप सेट हम यूज कर रहे हैं, नहरें हैं, बिजली है हम यूज कर रहे हैं, बांध हम बना रहे हैं आजकल, कीटनाशक हम यूज कर रहे हैं खेती में, आधुनिक कृषि खेती में ट्रैक्टर हम यूज कर रहे हैं, अधिक उपज वाले बीज हम यूज कर रहे हैं, उर्वरक हम यूज कर रहे हैं, खाद वगैरह हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर फसल का नाम लिख देंगे, किस माह में बोई जाती है, किस माह में फसल को काटा जाता है, सिंचाई का साधन क्या है, वर्षा है, तालाब है, नलकूप है, जैसे अपने गांव का नाम लिख दिया, जैसे यहाँ पर जैसे गांव का नाम है फोंटवाड़ा, तो फोंटवाड़ा लिख दिया। किस माह में बोई गई, मान लो कोई फसल बोई गई जैसे अक्टूबर में बोली जा रही है, क्या बोई जा रही है, किस माह में काटी गई, मान लो मार्च में काटी गई तो मार्च लिख देंगे यहाँ पर। और सिंचाई का साधन क्या है, जैसे कि तालाब है, नहर है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि वर्षा है तो वर्षा लिख देंगे, नहर है तो नहर लिख देंगे। इस तरीके से अपने गांव में जो फसल हो रही है, कब वो फसल बोई जा रही है, कब वो फसल काटी जा रही है, वो उनको हम लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, जो HYV जो बीज थे, जिससे ज्यादा फसल पैदा होने की आशा थी और ज्यादा फसल पैदा भी हो रही थी, तो इसके परिणाम स्वरूप जमीन से उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी, जो हम हरित क्रांति के बाद में जो बीज यूज करने लगे। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया, और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल लगाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इससे गेहूं की ज्यादा पैदावार प्राप्त हुई। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की जो उपज थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, HYV बीजों से यह 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। तो गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने का अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी, यानी खाने के अलावा उनके पास में बाजार में बेचने के लिए बहुत सारे गेहूं थे। तो यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि बहुविध फसल प्रणाली और गेहूं की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। तो बहुविध फसल प्रणाली, गेहूं जो बाजरा, इस तरीके से मिक्स हम खेती कर देते हैं, इस तरीके से मिक्स खेती। आधुनिक फसल प्रणाली में हम ट्रैक्टर हम यूज करते हैं और उर्वरक हम यूज करते हैं, HYV बीज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ों टन इकाइयों में दिखाया गया है। जैसे कि हरित क्रांति के बाद में दाल का उत्पादन पहले होता था 10 टन 1965-66, गेहूं का उत्पादन 10 होता था, 70-71 में ये 12 हो गया, गेहूं का 24 बढ़ गया, फिर ये 80-81 में फिर 11 हो गया, गेहूं का बढ़ गया 36, फिर ये 14 हो गया, गेहूं का 55 हो गया, बढ़ ही रहा है गेहूं का, फिर ये 11 हो गया, यहाँ पर दाल का उत्पादन गेहूं का और बढ़ गया यहाँ पर, फिर 18 हो गया, 17-18 में गेहूं का और भी बढ़ गया, गेहूं का उत्पादन वर्तमान में और ज्यादा बढ़ गया, 94 हो गया और ये 17 है। तो इस तरीके से ये क्या है, HYV जो बीज यूज कर रहे हैं उससे उत्पादन बढ़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें,
हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई है, इस पर विचार विमर्श करना है हमें कि दोनों ही फसलों की उत्पादन यहाँ पर बढ़ाया है, गेहूं हो और दाल हो दोनों के लिए। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है वो हमें बतानी है। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि अब वो आधुनिक मशीनें यूज करता है, कीटनाशक यूज करता है, इसलिए उसको ज्यादा रकम पड़ती है। खेत में जाने के पश्चात अपने क्षेत्र के कुछ किसानों से बात करें, उन्हें मालूम कीजिए कि आधुनिक और परंपरागत मिश्रित खेती की इन विधियों में से किसान किसका प्रयोग करते हैं, सिंचाई के क्या स्रोत हो सकते हैं, कैसी भूमि कितने भागों में सिंचाई होती है, बहुत या कम या लगभग आधी या अधिकांश से समझ किसान अपने लिए आवश्यक आगत कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्या भूमि यह धारणा कर पाएगी कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों ने संकेत मिलता है कि खेती को आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरकता और भूमजल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों से बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग हानिकारक हो सकता है, तो उसके बारे में हम बताएंगे, लिखेंगे इसलिए क्या है। पालमपुर गांव कृषि भूमि का विवरण है कि किस तरीके से कृषि यहाँ पर हो रही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी ही लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है कि इनके उपयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ये रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ नई दिल्ली की रिपोर्ट है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और अन्य आघातों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि वहां की खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार व्यतीत है वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर हम जान लिया होगा कि कृषि के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 है हमारे पास में लोग बेरोजगार, और 450 परिवार में से लगभग एक तिहाई यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि ही नहीं है, यानी वे अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। 1960 में कृषक गोविंद के पास में 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता है। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों के बीच में बट गई। प्रत्येक के पास अब 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं, उन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरे ओर गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर के मझोले में बड़े किसानों को 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अपना खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास में 10 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि है। किस तरीके से खेती होती है, किस तरीके से कीटनाशक छिड़के जाते हैं, किस तरीके से दलों की सिंचाई
सीवेज का जुताई हो रही है, वो हम देख सकते हैं। किसी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर यूज किया हुआ है, किस तरीके से बीज बोया जाता है, किस तरीके से हल से जुताई हो रही है। तो यहाँ पर हम छोटे किसानों के द्वारा कितनी उपयुक्त भूमि को छायांकित करने, किस तरीके से भूमि का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र और कृषकों का विवरण, जैसे कि कृषि क्षेत्र है हमारे पास में 36% और कृषकों की संख्या है हमारे पास है 20%। कृषि क्षेत्र में छोटे कृषक है हमारे पास में वो 36% है, बड़े कृषक है वो 64% है। मझोले और बड़े कृषक हम देखें कृषकों की संख्या में, तो मझोले और बड़े कृषक हैं वो 20% है, बाकी यहाँ पर छोटे कृषक हैं, इतने सारे छोटे कृषक हैं। यहाँ पर 36% छोटे कृषक है, कृषि क्षेत्र छोटे कृषकों के पास में, 64% बड़े कृषि क्षेत्र के पास में। नेक्स्ट देखें, क्या आप इस बात से सहमत है कि पालमपुर में कृषि भूमि का वितरण असमान है? क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? व्याख्या कीजिए। तो भारत में भी ऐसी स्थिति है, असमान है, और भारत में भी ऐसी श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में श्रम काम करते हैं। इस तरह भी खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था खुद करते हैं। दूसरे श्रमिकों को यहाँ पर किराया पर लगाते हैं। खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराया पर लगाते हैं। खेतों में किए जाने वाले कार्य को हम क्षेत्र में देख सकते हैं, उनके द्वारा आवश्यकता में व्यस्त कर सकते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से होते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के द्वारा उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत से दूसरे कृषि कार्य जैसे कि बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी यहाँ पर रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई और पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। ढाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये है, जो कि अप्रैल 2011 में निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसानों की जो समस्या है वो हम इसमें देख सकते हैं। ये चीजें जैसे कि आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, यह भी बहुत ही कम दिनों के लिए। तो ये बंदा कह रहा है यहाँ पर नहीं भैया से कि आजकल काम मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी कम दिनों के लिए रखते हैं। घनश्याम भी बड़ा किसान है और अपने
उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया। तो ये फिर पतिदेव कह रहे हैं पर इसके, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर और गाय के लिए थ्रेसर है, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। तो हमारे पास बाकी की फैसिलिटी है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर इसने बताया है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ये बंदा बता रहा है यहाँ पर, मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। फिर महिला बोल रही है कि मेरी स्थिति ज्यादा नहीं अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। तो इससे भी कर्ज हो रखा है, यानी किसी में आसानी से कर्ज हो जाता है, क्योंकि तो कमाई आमदनी इतनी ज्यादा होती नहीं है, कभी कभी लागत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट देखें, डाला को मात्र 80 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेती श्रमिकों को बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि हम अन्य खेती श्रमिक हैं। डाला और रामकली दोनों गांव के दुर्गम व्यक्तियों में से हैं, जिसका संवाद हमने ऊपर देखा है। तो डाला और रामकली जैसे खेती श्रमिक गरीब क्यों हैं? और गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के 2 गाँव हैं। दोनों गांवों के कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली या फिर मुंबई, सूरत, हैदराबाद, नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्यक भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं? तो जब गाँव में रोजगार नहीं रहेगा तो वो लोग शहरों की तरफ जाएंगे, और गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह का काम करते हैं? खेतों के लिए आवश्यक होती है, हम पहले भी देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक मजदूरी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अधिसंख्यक छोटे किसानों की पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, ये बड़े किसानों से या साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारी से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जे पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं। इसी की सविता की कहानी हम देखें। सविता एक लघु कृषक है, वह अपने 1 एकड़ जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही यहाँ पर कार्यशील पूंजी के रूप में उसे 3,000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से यहाँ पर क्या करती है? कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आज भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है, 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी जिम्मेदारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि तो उसे मालूम है कि छोटे किसानों का कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इस तरह वे आवश्यक पूंजी को व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका आप उत्तर है देख सकते हैं, या फिर हम अगले भाग में देखेंगे यहाँ पर। तो अब तक की कहानी क्या कहती है? हमने उत्पादन के 3 कार्य जैसे कि भूमि, श्रम और पूंजी और खेती या उसमें प्रयोग के बारे में पढ़ा है।
अब हम कुछ स्थानों पर जहाँ पर जैसे कि रेशम उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गाँव में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार है, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या फिर गरीब हैं। तो यहाँ पर क्या है, गरीब है या फिर गरीब है, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे एक कठिन जीवन जीते हैं। श्रम के विपरीत कृषि उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है यहाँ पर, कृषि भूमि क्षेत्र का बहुत कम प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। तो ऐसा माना जाएगा यहाँ पर। और ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि क्या करते हैं, ऐसे बहुत छोटे किसान हैं जो भूमिहीन है। छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमि खेतियों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए किसान और उसका उपयोग करते हैं, उन दोनों में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेती के आधुनिक विधियों में हम क्या करते हैं, कीटनाशक की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, तो कर्ज चुकाने के लिए बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ है, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है कि जो भूमि है प्राकृतिक संसाधन है, जबकि पूंजी है वो मानव निर्मित संसाधन है। भूमि पूंजी को बढ़ाना संभव है जबकि भूमि स्थिर है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह से देखभाल करें। अधिकांश कृषि उत्पादकों की देखरेख, मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग किया। अपनी भूमि में गेहूं खेत किया, गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे अपने परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो बाकी गेहूं है उसको बेच देते हैं। सबीता गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अच्छे गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान भी बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं और गेहूं से लदी बाजार जाती है बैलगाड़ी देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदारी उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को भेज देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अच्छे गेहूं प्राप्त होता है। वह अपने अतिरिक्त गेहूं अतिरिक्त गेहूं क्या करेगा, अपने अतिरिक्त गेहूं का रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष में तेजपाल सिंह अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया। बाद में इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता होती है। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करने में किया। और क्या किया, इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों में से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मजदूर किसान भी खेती के अच्छे कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के अन्य भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखते हैं। इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर सकते हैं या कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु ट्रक आदि को खरीदने और दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहा जाता है। जो भी बाकी काम होते हैं गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं, तो गैर कृषि क्रियाएं किस तरीके होती है, हमने देखा कि पालनपुर में खेती प्रमुख उत्पादन क्रिया है। हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करते हैं। पालनपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग
कृषि कह रहे तन कार्य करते हैं, जैसे कि डेयरी। तो ये प्रकृतिक क्रिया, पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्राकृतिक क्रिया। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं और दूध को निकट ही बड़े गांव रामगंज में भेज देते हैं। सायपुरा शहर के दो व्यापारियों ने रामगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला है, जहां से दूर दराज दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो यहाँ पर हम तीन किसानों के उदाहरण लेते हैं। उन्होंने अपने खेतों में गेहूं बोया है और उनके उदाहरण है, वो भी भिन्न भिन्न होंगे यहाँ पर। दूसरा किसान है, पहला किसान है, प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपयोग कर समान है। और तीसरे में हम देख रहे हैं, तीसरा किसान इस वर्ष की समस्त अच्छे गेहूं का उपयोग अगले वर्ष के उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में किया जाता है। तो यह भी मान लीजिए कि उत्पादन इसमें प्रयोग करने वाली पूंजी का दुगना होता है। तो सारणी को यहाँ पर पूरा करें। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के लिए पूंजी के रूप में होता है। यह भी मान लीजिए कि उत्पादन अपने प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना होता है। तो प्रयुक्त होने वाली पूंजी का दोगुना हो गया उत्पादन, जैसे कि तो पूंजी कितनी होगी यहाँ पर? 60 होगी। दूसरे किसान के बारे में देखा है, तीसरे किसान के बारे में देखा है। तीनों किसानों में गेहूँ के 3 वर्षों के उत्पादन की हम तुलना करेंगे। तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? क्या उत्पादन जारी रखता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण है। यह समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए। शहर और कस्बे में बड़ी फैक्ट्रियां होने के वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन का प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है, उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, मिश्रीलाल की कहानी और करीम की कहानी। क्या है मिश्रीलाल की कहानी, करीम की कहानी क्या है? मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसने अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम गेहूं को बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीन से करना पसंद करते हैं। इसी तरह दूसरे किसानों में भी गन्ना खरीदने से गुड़ बनता है। गुड़ को फिर सापरा के व्यापारी को बेचा जाता है। मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। करीम की कहानी क्या है? करीम ने गाँव के एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही में कई वर्षों में कई विद्यार्थी सापरा शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव की दो महिलाओं के पास कंप्यूटर और उपयोग की डिग्री है। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले बाजार के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के छात्रों से पर्याप्त संख्या में इस कक्षा में आना आरम्भ कर दिया। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो मिश्री लाल है, मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत होगी? मिश्रीलाल इस कार्य में तीन तीन कौन उपलब्ध कराता है, यानी श्रम कौन कौन उपलब्ध कराता है इस कार्य में? कारण कि उसे हानि हुई हो सकती है। मिश्रीलाल अपना गुड़ गांव में बेच कर सहापरा के व्यापारियों को क्यों बेचता? नहीं देखे, पालमपुर के दुकानदार, पालमपुर में ज्यादातर लोग हैं वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी ने दुकानदार है जो शहरों के थोक बाजारों पर कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे गाँव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, तेल, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, दूध, तेजस्टी, मोमबत्तियां, कंपनियां, पेन, पेंसिल आदि कुछ कपड़े ही बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर का एक बाग में छोटी दुकान खोल ली है और ये खाने की चीजें को बेचते हैं। नेक्स्ट देखें,
कि परिवहन तेजी से विकसित होना या होता है क्षेत्र क्या है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, पीछे वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ड्राइवर और परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी मालगाड़ियां चलाने वाले के लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाते, उनके बदलते उन्हें पैसे मिलते हैं। कई वर्षों में परिवहन से जुड़ा लोगों का संख्या बहुत बढ़ गई है। किशोर एक खेतिहर मजदूर है, अन्य किसी भी अन्य ऐसे ही श्रमिकों को भाती किशोर भी अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था और यह सरकारी कार्यक्रम के तहत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे हैं। किशोर ने इस पैसे में एक पैसा खरीदा नहीं, एक भैंस खरीदी नहीं, अब भी यह भैंस का दूध बेचता है और अपनी भैंसा गाड़ी से बना ली है। इसने कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे में कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी यह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुरा जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधी कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। तो यहाँ पर हम देखें, चार पाठ पढ़ने वाले क्या समझ आएंगे। वह गांव में खेती मुख्य पसंद किया है। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनकी वजह से किसान अपनी ही भूमि में अधिक फसल पैदा करते हैं और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी दुर्लभ और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है। खेती की नई विधियों में कम भूमि अधिक परंतु अधिक पूंजी लागत की जरूरत है। मसाला और मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन में कोई बचत से अगले मौसम के लिए भूमि की पूंजी की व्यवस्था करते हैं। दूसरे छोटे किसान हैं जो भारत के किसानों की कुल संख्या 80% है। पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। अपने भूखंड का आकार छोटे होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है और अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी निकालना देते हैं और उन्हें कर्ज देना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ता है कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसान को अपने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में कुछ काम करना पड़ेगा। श्रम पूर्ति उत्पादन के अंतर कारकों की तुलना सबसे प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक प्रयोग करना आदर्श होगा। और इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 100 कामगारों में से 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, यद्यपि गांव में एक प्रकार की गैर कृषि कार्य है। हमने कुछ ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं में वृद्धि ना हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। इस पूंजी को प्राप्त कैसे किया जाता है? या तो अपनी बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो ताकि बिना ब्याज वाले लोग भी गैर कृषि कार्य कर शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्य को प्रचार के लिए आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहाँ वस्तुएं सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गाँव और कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज्यादा गाँव, कस्बों और शहरों में अच्छी सड़कें, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गाँव में गैर कृषि उत्पादन अवसरों का प्रक्रियाओं का अवसर बढ़ेगा। बाकी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।